Salam, Namaste. Welcome to the world of Priyanka's Paradise. Hi friends, कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे. So आज है नागपंचमी और सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज हम लोगों ने सोचा है कि चंद्रपुर में स्पेशल नाग मंदिर है, तो क्यों ना आप लोगों को आज के दिन दर्शन किया जाए. भले ही मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आएगा, बट आज हम वैसे भी दर्शन करने जा ही रहे थे, तो हमने सोचा कि ब्लॉग बना दें आप लोगों के लिए. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं चंद्रपुर से. अभी हम लोग एट्राइस्टार के सामने यहाँ से भद्रावती जाना रहेगा हम लोगों को, जो चंद्रपुर से कुछ 20 किलोमीटर्स के दूरी पे है. सो चलो आप लोग भी हमारे साथ और आप लोगों को हम दिखाते हैं स्पेशल विदर्भ नाग मंदिर. तो चलो दर्शन करें. तो चलो हम निकल पड़ते हैं हमारे नाग मंदिर के दर्शन के लिए. तो हम लोग शाम के टाइम निकले, हमारा हमेशा का ही है कि हम शाम के टाइम निकलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेदर अच्छा रहता है शाम के टाइम भी. मतलब हाँ, हम लोग निकले 4 बजे. यस, तो 4 बजे के करीब हम लोग निकले चंद्रपुर से. और ये जो मंदिर है ये भद्रावती में है. तो चंद्रपुर से भद्रावती का जो डिस्टेंस है ये कुछ आता है 20 to 25 किलोमीटर्स. अगर आप लोग नागपुर से आ रहे होगे तो नागपुर से भद्रावती का जो डिस्टेंस है वो कुछ आता है 110 to 120 किलोमीटर्स, ऐसा कुछ उसका डिस्टेंस है. तो यस, भद्रावती जाने तक का जो रास्ता है बहुत अच्छा हाईवे है, क्योंकि ये नागपुर चंद्रपुर हाईवे है, तो ये रास्ता बहुत अच्छा है. अभी बारिश चंद्रपुर में चल रही है, हर जगह बारिश चल रही है, तो उसके वजह से ये जो ग्रीनरी है ये देखते ही मज़ा आ जाती है. और हाईवे होने की वजह से तो गाड़ी चलाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है. हम लोग वैसे 2-व्हीलर से जा रहे हैं, सो मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं और मैं पीछे बैठ के शूट कर रही हूँ. सो यस, ऐसे हम लोग निकल पड़े. चंद्रपुर से भद्रावती जाने तक के ऐसे बहुत छोटे छोटे गांव आते हैं, तो मैंने वो शूट कुछ किए हैं कुछ नहीं किए, ऐसा भी हुआ है. बिकॉज़ कैसे 2-व्हीलर पे आप बैठते हो तो कुछ चीज़ें शूट हो पाती है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है. थोड़ा सा डर डर के मैं शूट कर रही थी. तो अभी हम जो पहुँच गए हैं, ये हम लोग पहुँच गए हैं घोड़पेट, जो चंद्रपुर से भद्रावती के बीच में आता है घोड़पेट. उसको क्रॉस करते ही वहाँ पे ना ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ पे ऐसे तालाब बना हुआ टाइप्स दिख रहा था. पानी बारिश के वजह से पानी भर गया होगा वहाँ पे, और ये दूर से ही इतना सुंदर लग रहा था. और वो सनसेट का टाइम था, मतलब 4:30 का टाइम हो रहा था, और वो तालाब पे वो जो रेस गिर रही थी बहुत सुंदर लग रही थी. और उसके बाद हमारे चंद्रपुर की ग्रीनरी, इसका तो क्या कहना, चंद्रपुर तो इस ग्रीनरी के लिए ही फेमस है. सो यस, ये जो आपको दिख रहा है ये पावर ग्रिड प्लांट है. ये भी मतलब भद्रावती के पहले आता है ये पावर ग्रिड प्लांट. सो यस, ये वहाँ का स्पेशलिटी है. ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पे फॉर्म्स है. और अभी देखो आपको जो दिख रहा है ये हम भद्रावती पहुँच गए. बातें करते करते हम कब पहुँच जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता. सो अब हम लोग पहुँच गए हैं भद्रावती. सो भद्रावती जैसे ही आप पहुँचते हो, मतलब चंद्रपुर से, तो आपको यहाँ पर जो है राइट साइड में बस स्टैंड पहले पड़ेगा. ये भद्रावती का बस स्टैंड है. सो ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये है भद्रावती का बस स्टैंड. सो बस यहाँ से बस स्टैंड आ गया भद्रावती का. यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में, बिकॉज आप चंद्रपुर से आते हो, लेफ्ट साइड में आपको पड़ेगा नाग मंदिर. सो यहाँ से हमने, जैसे ये कार का इंडिकेटर आपको दिख रहा है ना, यस, ये जो गेट है यहाँ से आप लोग पहुँच जाओगे नाग मंदिर के लिए. और अगर आप नागपुर से आ रहे हो तो आपके राइट हैंड साइड में ये पड़ेगा. बस ये गेट आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप टर्न ले लो और यहाँ से आप सीधा सीधा चलो. सो भद्रावती को पहले भांदक बोला जाता था. ये पहले बहुत छोटी प्लेस हुआ करता था, बट अभी भद्रावती बहुत अच्छा डेवलप हो गया है. ये इसका थोड़ा सा स्पेशलिटी ऐसा है कि मेरी जो मासी है वो यहाँ पर स्कूल में टीचर थी,
वहाँ पे वो ना हमेशा जाती थी, जब मैं बहुत छोटी थी तो वो जाती थी, फिर वहाँ से जब वो स्कूल से आती थी शाम के टाइम तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लाती थी खाने के, तो मुझे मज़ा आती थी। तो ऐसा कुछ भद्रावती के साथ हमारा रिलेशन है, मेरे मासी का और हमारा। सो यस, ऐसे बात करते करते हम पहुँच गए, और ये जो आपको दिख रहा है रास्ता, एक्चुअली यहाँ से सीधा भी मंदिर आता है, बट आज नागपंचमी होने की वजह से डाइवर्शन दे दिया, तो हम लोग उससे साइड से निकले, और ये गेट है, ये साइड वाला गेट है, बट आप जनरली ऐसे आओगे तो आप सीधा सीधा ही है वो रास्ता पूरा, आपको वो मंदिर लेफ्ट हैंड साइड पर दिख जाएगा। सो उस दिन नागपंचमी होने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और जो पार्किंग है वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट किया था बिकॉज़ बहुत लोगों की भीड़ होती है ऐसे। स्पेशली दो ही दिन भद्रावती के नाग मंदिर में जो फंक्शंस है या जो बड़े लेवल पे है वो होती है। अच्छा, आपको याद आया, ये जो डॉल्स आपको दिखाई थी, मैं हनुमान मंदिर का जो वीडियो बनाता तब मैंने आप लोगों के डॉल दिखा, तो मुझे यहाँ पर भी दिख गया। और उसके बाद फिर ऐसे बहुत सारे वहाँ पर स्टॉल लगे थे, मतलब छोटे छोटे। अब कोरोना के वजह से बहुत लोगों का नुकसान हुआ, बट आफ्टर कोरोना जैसे जैसे चीज़ें सही होती गई तो बहुत लोगों ने ये जो फेस्टिवल्स है उसका फ़ायदा उठाया और ऐसे स्टॉल लगाए। तो एक स्टॉल पे मैं गई, यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स थे, आर्टिफिशियल प्लांट्स, तो मुझे वो देख के अच्छा लगा, तो यस मैंने वो भी शूट कर लिया। यहाँ पे अच्छे लग रहे थे ये कलरफुल्स आर्टिफिशियल प्लांट्स, अच्छे लग रहे थे। और ये बुड्ढी के बाल, हम लोग इसे तो बुड्ढी के बाल बोलते हैं, ये भी अब अच्छा, अब तो नहीं खाती मैं, ये शुगर केन स्टिक होता है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वहाँ पे स्टॉल्स थे, अच्छे थे, सुंदर थे, कपड़ों के थे, बलून्स थे, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे। तो ये उस दिन का बहुत बड़ा फंक्शन है, तो इसलिए भी उस दिन के लिए ये स्टॉल ऐसे कुछ दो तीन दिन और रहता है, बट ऐसे वो हमेशा नहीं होता, उसी दिन का, उस दो तीन दिन का ही वो स्टॉल था। तो अच्छे अच्छे चीज़ें थे वहाँ पे, हम लोगों ने कुछ लिया नहीं, हम लोग बस दर्शन करने ही गए थे स्पेशली, तो हम लोग वहीं पे गए। और यहाँ पे ये भी मुझे कुछ दिखा, ये शायद बच्चों के लिए, ये लाइट लगता है इसमें, अच्छा लगा ये कलरफुल इसमें, तो वो भी मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। तो ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस ही था, हम लोगों ने गाड़ी काफ़ी दूर पार्क की थी बिकॉज आज नागपंचमी थी। ऐसे तो आप वहाँ तक के भी जा सकते हो, पूरा मंदिर तक के आप बाकी नॉर्मल डेज में आप जा सकते हो, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो और फिर दर्शन कर सकते हो, बट अभी फेस्टिवल होने की वजह से बहुत आगे ही पार्किंग हो गई थी बिकॉज बहुत लोगों का भीड़ था, बहुत बहुत लोगों की मान्यता है इस मंदिर पे। तो यस, हाँ, और यह ये जो आपको दिख रहा है ये विज्जासन बुद्ध लेनी है, तो यहाँ पे ये इसका भी मैं एक ब्लॉग लेके आऊँगी डेफिनेटली। भद्रावती का वैसे बहुत सारे प्लेसेस है जो मुझे लाना ही है आप लोगों के लिए। तो ये जो भद्रावती का विज्जासन लेनी है ये बुद्धिस्ट प्लेस है, तो मैं आप लोगों को ये भी एक बार ज़रूर दिखाऊंगी। तो यस, ऐसे बात करते करते देखो हम लोग पहुँच के भद्रनाग स्वामी के देवस्थान पे। सो यस, ये उसका एंट्री गेट है, यहाँ से आप एंटर करोगे एंड फिर डायरेक्टली आप मंदिर में ही, वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं अंदर जहाँ पे आप प्रसाद ले सकते हो या जो भी आपको लेना है। तो देखो मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं भी यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, और ये मेरे हस्बैंड हैं जो शूट कर रहे हैं मेरे लिए। सो यस, ऐसे हम लोग वहाँ से निकले और सामने में ही वो शॉप थी, तो उस शॉप में हम लोग गए और हम लोगों ने वहाँ से, वैसे तो नारियल ही लेना था सिर्फ, बट वो आंटी ने फिर हमको दे दिया सामग्री, तो हमने वो पूरी पूजा की सामग्री ले ली वहाँ पे। और वहीं पे फिर आप चप्पल जूते जो है आपके वो वहाँ पे निकाल के रख सकते हो। सो ये वो शॉप थी जहाँ से हम लोगों ने लिया, अच्छा था, मतलब बहुत सारे यहाँ पे वैरायटीज ऑफ चीज़ें थी, अच्छे लग रहे थे वो भी, नारियल हो गया या बाकी मूर्तियाँ थी या जो भी था, तो अच्छा लग रहा था। सो स्पेशल भद्रनाग मंदिर की स्पेशलिटी ये है कि यह मंदिर जो है ये भद्रावती तालुका जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ का फेमस प्लेस है। तो भद्रावती जो है यहाँ का ये अट्रैक्शन आप बोल सकते हो, ये एंशियंट टाइम से है ये मंदिर, सो ये अट्रैक्शन है यहाँ का। सो जैसे ही आप मंदिर में जाते हो
वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे एंशंट चीज़ें जो है, पुरानी चीज़ें जो है वो आपको दिखेगी। तो यहाँ पे मैं वही मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी कि मैं कुछ बोलूँ या क्या, क्योंकि वहाँ पे इतना शोर था कि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तो यस, वहाँ पे हम लोग निकल गए अंदर दर्शन के लिए। अब यहाँ पे बहुत भीड़ होने की वजह से लेडीज़ और जेंट्स का अलग था, तो मैं यहाँ पे जो मेन एंट्रेंस है मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये लेडीज़ का ऐसे नॉर्मल डेज पे नहीं होता, नॉर्मल डेज पे आप ऐसे ही जा सकते हो। और यहाँ पे जो है बहुत अंदर भीड़ थी, तो मेरे हस्बैंड ऊपर थे, बिकॉज जेंट्स का अलग था तो उनकी लाइन भी बहुत लंबी थी, तो वो ऊपर थे और फ़ोन मेरा भी उनके पास था और उनका भी उनके पास था, तो वो वहाँ से शूट कर रहे थे। सो भद्रावती का जो प्रसिद्ध है, मतलब ग्राम देवत बोल सकते हैं, ये है भद्रनाग मंदिर। ये नाग शब्द का प्रयोग करना हमेशा ही विवादों में रहा है, फिर भी नाग की पूजा करना विदर्भ में पारंपरिक रीति से मनाई जाती है और इस नाग पूजा का यह भद्रनाग मंदिर प्रतीक माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में भांदक नगरी ऐसा उल्लेख किए जाने वाला यह शहर है, इस नाग मंदिर के कारण चारों दिशाओं में चर्चा में रहा है। ऐसे तो यह मंदिर छोटा है, लेकिन यहाँ की भद्रनाग मूर्ति और सुंदर नकाशी के कारण स्थानिक लोगों में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 1000 साल पुराना है, ऐसे पुरातत्व सबूत हुए हैं वहाँ पे। फिलहाल का मंदिर यह जो है ये 1146 ईयर पुराना है, मतलब 1146 साल इसका जो रीएस्टैब्लिशमेंट है, ये फिर से बनाया गया है। ऐसा वहाँ पे जो उसका शिला लेख है उसमें लिखा है, इसका मतलब ही ये उसके पहले, मतलब 1146 इसके पहले भी ये मंदिर है, बिकॉज 1146 को इसका रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ। सो वहाँ पे वो लिखा है, तो इसका मतलब वहाँ पे ये ऑलरेडी ये मंदिर उससे भी पुराना है, ऐसा वहाँ पे बताया गया है। और यह मंदिर जो है ये हेमाडपंथी शैली में बांधा गया है, और यह मंदिर छोटा है फिर भी हेमाडपंथी शैली के सारे विशेषता है इस मंदिर में है। इस मंदिर पे श्रद्धा रखने वालों भाविकों की संख्या बहुत है, विदर्भ हो, मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना, ये सारी भारी संख्या में यहाँ से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर में ऐसे 36 पोल्स है, यहाँ शेषनाग की 9 फन की 2.5 फीट ऊंची ऐसी मूर्ति है। मंदिर में जाते ही बहुत प्रसन्न लगता है। विशेषता यह है कि शेषनाग की विदर्भ में ये एकमेव ऐसा मंदिर है, यहाँ की नाग मूर्ति सारे भारतवर्ष में नहीं, ऐसा रिसर्चर्स जो है उनके अनुसार माना जाता है। तो मंदिर में बहुत पुराना एक ऐसा कुआं है और इस कुएं में उतरने के लिए सीढ़ियां दी गई हैं। इस कुएं में भगवान शेषनाग रहते हैं, ऐसे श्रद्धालुओं का मानना है, इसलिए श्रद्धालु इस कुएं का भी ज़रूर से दर्शन करते हैं। तो ये जो आपको कुआं दिख रहा है, ये मैं कुएं की जो बात कर रही थी, ये है वो कुआं। और यहाँ पे ये जो आपको ग्रीन शीट दिख रही है, ये ऐसे कुएं से ही अटैच है और ये बहुत बढ़िया ऐसा, अभी तो ये स्पेशली मेरे ख्याल से हो सकता है आज ही के दिन उन्होंने ऐसा कवर लगाया होगा, बिकॉज श्रद्धालु अपने मन से उसमें कुछ भी डाल देते हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है उन्होंने ऐसा कवर लगाया होगा, वरना ऐसे आप जाओगे नॉर्मल डेज में तो वो जो कवर है वो निकल के रहेगा और ऐसे आपको वो पानी दिखेगा। तो ऐसा मानना है कि वहाँ पे 5 फन, मतलब 5 फन वाले शेषनाग का वहाँ पे विराजन है, ऐसा वहाँ पे बोला जाता है। तो बस ऐसा हमारा दर्शन हुआ और यहाँ पे मैं मेरा ना एंडिंग वाला सीन रिकॉर्ड कर रही थी, बट क्या हो गया कि इतनी आवाज़ होने की वजह से वो हुआ ही नहीं, तो बस मैंने वो शॉट ऐसे ही आपको शो करने के लिए डाला कि वहाँ पे बहुत आवाज़ थी लेकिन उसका वॉइस ओवर ही कुछ आया नहीं। सो यस, ऐसा हम लोगों का ये दर्शन हुआ, आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड या प्लीज़ थोड़ा सा ना मेरा हेडफोन्स यूज़ कर लेना आप लोग, बिकॉज ये जो मेरा आगे का मैं बोल रही हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, हमारा दर्शन हो गया है,
काफी अच्छा दर्शन हुआ, बट आज नागपंचमी होने की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ थी मंदिर में, तो हम अंदर से शूट नहीं कर पाए। इसका हम लोग पार्ट टू लेके आने वाले हैं, क्योंकि भद्रावती के और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो आप लोगों को हमें दिखाना है। तो आज जस्ट नागपंचमी स्पेशल था, इसलिए हम लोग तो आ गए थे यहाँ पे ये शूट करने के लिए, प्लस दर्शन करने के लिए। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए वो भी लेके आए। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, जैसा भी हो, छोटा मोटा जैसा भी हमने शूट किया, जितना हमसे पॉसिबल हो सका जो भी हमने शूट किया है। जो भद्रावती का ग्राम देवत मंदिर है, भद्रनाथ मंदिर का, ये जो वीडियो है, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे आगे के वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करना ज़रूर मत भूलिए। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।